गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ डे टू इन मेहर जवर। यू कैन सी दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू। लास्ट नाइट हम लोग जो है यहाँ पर बारबेक्यू की, सब आपने सीन देखे, दुम्बुक बना था, कढ़ाई शढ़ाई थी, सीखें थी, एवरीथिंग फन, नाइट म्यूजिक, बॉनफायर, एवरीथिंग वाज। सो आई जस्ट वेक अप एंड अराउंड 6:28 हो रहा है, यू कैन सी। और मैंने बोला थोड़ा मुँह हाथ धो लूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉग्स। तो ये सीन है। पहले मैं लेट्स सी, पहले मुँह धोता हूँ थोड़ा सा एंड देन उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे माउंटेन, इसके ऊपर जाते हैं, हाइक करते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग के व्यू लेते हैं, सूरज को देखते हैं ज़रा कैसे जो है वो निकल रहा है, उसके थोड़े से मनाजर दिखाता हूँ आपको भी और ख़ुद भी देखता हूँ, महसूस होता हूँ। रात भर जो है वो तीतरों की आवाज़ें आती रहीं, समटाइम कुछ ऐसा लगा कि मुझे ये स्नेक आ रहा है, दो दफ़ा ऐसे फील हुआ। स्केरी नाइट भी कह सकते हैं और मज़ेदार नाइट भी थी, फुल ऑफ स्काई जो है स्टार्स से जो है वो फुल थे और बहुत ही प्यारा मंजर था रात का, स्टार से भरे हुए थे, मून निकला हुआ था, इट वॉज अमेजिंग नाइट। जा रहा हूँ ऊपर इधर उधर, माउंटेन हाइक करते हुए जाते हैं ऊपर, देखते क्या सीन है। रात कुछ लोगों ने कैंप लगाए थे, कुछ लोगों ने मच्छरदानियाँ लगाई हुई थी, मैं वहाँ पर सोया हुआ था। ये व्यूज है, चाय इन्होंने बनाई है, इवनिंग चाय भी इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, मॉर्निंग चाय भी है और इनके जो है इन्होंने काफ़ी लोगों को सर्व भी किया है अभी। गुड मॉर्निंग फवाद भाई, फवाद भाई अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अली भाई भी मौजूद हैं हमारे साथ, सब हारिस भाई, हारिस भाई क्या कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है कुकिंग में? आमलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हारिस भाई एंडर एंड जावेद भाई, जावेद भाई अंडे कुछ अंडे, ओ वाओ अमेजिंग, अंडे लेकर आए हैं और इसको ऑमलेट बनाएंगे। हर्ष भाई कौन सा ऑमलेट आप लोग जो है वो ज़्यादा अच्छा अंदाज में बना लेते हैं, वो फुल फ्राइड चिकन चीज़ मशरूम? ओके चिकन चीज़ भाई ऑमलेट बनने लगा है यहाँ पे और तवा जो है ऑलमोस्ट रेडी है, पड़ हो रहा है, हीट कर रहे हैं उसके बाद फिर हम इसको, दैट्स नाइस। तो ये चीज़ है, अभी कुछ एक्टिविटी लोग ये कर रहे हैं, कुछ चाय बना रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, देखेंगे जावेद भाई की कुकिंग स्किल्स। जावेद भाई समथिंग मेकिंग स्पेशल स्क्रैम्बल्ड एग्स, इसमें आपने मिल्क भी ऐड किया?
सुबह का नाश्ता मेरे पास आ चुका है और मेरे पास है ऑमलेट एंड ब्रेड और साथ में है चाय। चाय में आपको दिखा देता हूँ, दिस इज टी। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। रात हम लोग जो रात नहीं कह सकते, शाम को जो हम लोग गए थे जहाँ पे हम लोगों ने डाइविंग करी कल के दिन में, जिस पानी में, उस पानी को दोबारा से हम लोग जा रहे हैं डाइव करने। और असद भाई मेरे साथ मौजूद है, फुल किटिंग शिटिंग पहनी है। असद भाई कह रहे थे किधर जा रहे हैं, पैराशूट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है हवा में उड़ने वाले। पैराशूट तो नहीं है इसी। अच्छा जी, ये आपने सेफ्टी जैकेट पहनी हुई, वो फ्लोटिंग वाली। पानी काफी डीप है। हाँ, पानी भाई अराउंड 40 फीट बता रहे हैं जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं 40 फीट जो है इसकी डेप्थ है वाटर की ना। कल मैं भी इवन के मुझे स्विमिंग आती है, पर मुझे भी वार्न किया गया भाई, दिनू भाई आपने मस्ट है कि आपने जो है ना वो सेफ्टी जैकेट पहननी है। कुछ भी हो सकता है, मैं भी हो सकता है नीचे चटान हो, पैर स्लिप हो जाए, तो भाई ये जो है ना खतरा नहीं लेने का होता। इसमें ये नहीं होता कि आप छोटे हो बड़े हो, डजंट मैटर ना, ये ऐसा सेफ्टी। आउटडोर में जो मेन चीज़ होनी चाहिए ना, आउटडोर में जितना कॉशियस हो सकते हो उतने कॉशियस रहो, कोई किसी को शोबाजी नहीं करनी, क्योंकि आप आते हो टीम के साथ। जी, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ। बिल्कुल, किसी का हमने आता वो खराब नहीं करो, हमने हादसा देखे हैं। जी, असद भाई तो आज का ट्रिप कैसा रहा, कैसा आपकी मेमोरीज है? As usual, पहले से ज्यादा अच्छा हमेशा। हमारा हर ट्रिप पहले से ज्यादा अच्छा होता है, मेमोरेबल होता है, वी आर मेकिंग इनटू मेमोरीज। तो आज लोग भी अच्छे थे, रात को दुम्बा बड़ा मजा की दुम्बे ने, उसने तो वही एंड कर दिया। यस, दुम्बा बड़ा जबरदस्त था। नॉट एक्सपेक्टिंग कि दुबह 7:30-8 बजे हम काटेंगे और 11 बजे खा भी रहे होंगे। दैट्स व्हाई आई थॉट, मैं सोचा समझ रहा था कि 4-5 बजे से पहले तो खाना मिलने वाला नहीं भाई। जी, सीधी सीधी। और उसके बाद जो सीखे उन लोगों ने बनाई है बारबेक्यू का जो सीन, जो भाई शेफ्स हैव डन वेरी वेल यार, अमेजिंग स्टफ यार। हम तो एंजॉय करते रहे, नहाते रहे, लेकिन उन बच्चों ने बड़ा जबरदस्त। सो नवेद भाई हमारे साथ मौजूद है वहाँ पे दूर से, आप उनको कह रहे नवेद भाई हाय, फुल एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। कौन आ रहे हैं ना भाई आप वहीं पे? हम वहीं जा रहे हैं। ओके फाइन। सो जो रास्ता है गाइस, मैंने कल भी दिखाया था रास्ता जो है टोटल जो है ऑफ रोड। ये हमारे लिए जो पैदल चलने वाले के लिए ना, ये भी एक तरह का ऑफ रोड ही कह लें। एक तो उन लोगों के लिए होता है जो 4x4 के लिए, एक हमारे लिए भी ऑफ रोड ही है एक तरह से। माउंटेन से जाना उतरना, झाड़ियाँ क्रॉस करना, कांटे ये वो, इससे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। आपको उसकी कदर भी बिल्कुल। ये देख रहे हैं गाइस आप, ये वाली चीज जो है ना, मैंने खुशदार में देखी थी जब मैं चारू मच्छी में गया था। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे तो उसके अंदर सेम यही सिचुएशन थी, सेम इट इज। सो जी जी जी, यहाँ पे लास्ट टाइम रात में ऐसी हुआ था सर भाई, ये आप कांटे में जो है ये, हाँ बस ये नीचे और फिश हुक, बड़ा खतरनाक है। मैं फंस गया यहाँ। ओहो फहद भाई मैं फंस गया। एक मिनट, लेट्स सी। ओके भाई, जो खतरनाक है सपोर्ट करते हैं जी। तो गाइस ये देख रहे हैं पानी का व्यू, यहाँ से पानी यहाँ से होता हुआ चलता हुआ ये जा रहा है। यू अमेजिंग व्यू कि मेरे साथ दो खूबसूरत नन्हे मुन्ने इनोसेंट से बच्चे मौजूद हैं और इनसे नाम पूछेंगे। और ये भी जो है वो ट्रैवलिंग के हवाले से, एक्सप्लोर के हवाले से, मैं ये कहता हूँ जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, दीज टू गाइज आर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस। और इनसे पूछेंगे एक्सपीरियंस और इनसे नाम पूछेंगे। फर्स्ट आप बताएं आपका क्या नाम है? ओके, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने का और कैसा आप अभी फील कर रही हैं? अभी तक तो काफी मजा आ रहा है नेचर को एंजॉय करने में, पानी में मतलब स्विम करने में। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत एक्सलेंट जा रहा है, अच्छा जा रहा है। ओके, और सबसे इस मजेदार इस ट्रिप की बात क्या लगी आपको, फूड के हवाले से, रात डिनर किया वो, या आपने ये जंप किया था इसके अंदर पाउंड के अंदर, वो स्विमिंग की थी वो अच्छा लगा, किस बात को आप जो है वो मजेदार समझती हैं? दो चीजें, पहली तो स्विमिंग और रात का जो बारबेक्यू डिनर था हमारा चिकन वाला, तो वो मुझे सबसे बेस्ट लगा और स्विमिंग तो सबसे टॉप पे है। तो यू एंजॉयड सो मच? या ओके फाइन। और मेरे साथ मौजूद है
अब्दुल समद. ओके अब्दुल समद, व्हिच वन यू लाइक मोस्ट इन दिस ट्रिप ना, व्हिच वन थिंग? स्विमिंग, द पॉन्ड, क्रिस्टल क्लियर. ओह दैट्स क्रिस्टल क्लियर. ओके व्हिच एंड व्हाट डू यू थिंक टुडे यू विल यू डू एनीथिंग एल्स? क्या प्लान है? स्विम अगेन फॉर सम टाइम एंड देन जस्ट ईट समथिंग आई गेस. ओके और इससे पहले आपने कहीं ट्रैवल किया था वो, या ये वाला अच्छा था या उससे पिछला वाला ज्यादा अच्छा था, मजेदार था? सब अच्छे सारे. हाँ ओके ओके. सो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम ना इधर आए फिर दोबारा से जरा बताएं कि अब जो है आप क्या समझती हैं कि नेक्स्ट आपने कहाँ अपना फ्यूचर में प्लान आप सोचती हैं कि मैंने वहाँ जाना है वो एक्सप्लोर करना है. लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे भी और आपसे भी. व्हिच वन डू यू लाइक टू गो? यस इन अ फ्यूचर, इन अ कमिंग डेज, इन अ कमिंग ईयर. जगह तो बहुत सारी है, स्पेशल तो मेरा जो मुझे जाना है नेक्स्ट, तो आई वांट टू गो कश्मीर. ओह दैट्स नाइस, दैट्स ब्यूटीफुल. सो दैट्स इट. ओके एंड योर? छोटा चट्टू बहुत अच्छी जगह. ओके तो आपकी विश है कि आप वहां जाएं और चीजों को एक्सप्लोर करें, राइट? ओके सो गाइस ये थे मेरे साथ इस ट्रिप के छोटे नन्हे मुन्ने एक्सप्लोरर, छोटे नन्हे मुन्ने ट्रैवलर. ये वो चिल्ड्रन हैं जो कि इन अ कमिंग फ्यूचर में जो है ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे. और इंशाल्लाह ये इन लोगों को सपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये अपना कंफर्ट लेवल छोड़कर आएँ और अपने मतलब पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आते हैं और उनको जो है वो मतलब इंसिस्ट करते हैं कि हमने जाना है और जा करके एक्सप्लोर करना है. तो इनकी फुल आप एनर्जी देख सकते हैं कि यही चीज़ें मुझे भी मोटिवेट करती हैं कि इन का जब लेवल है ये तो फिर मैं क्यों नहीं इस चीज़ को आगे ले जा सकता. सो गाइस चलता हूँ फिर आगे की तरफ. थैंक यू सो मच गाइस. ओके ओके फाइन ये थे और अभी चलते हैं यहाँ पे कुछ एक नहीं जिब्रान भाई कुछ लगे हुए हैं. जिब्रान भाई कह रहे थे डबल रोटी का कुछ खा रहे हैं छुपे छुपे. क्या खा रहे हैं भाई? सैंडविच. सैंडविच ओ दैट्स नाइस. हमारा सैंडविच जो है तो हमारे लिए पानी के किनारे पहुंचा दिए गए. ओए होए होए उसका नाश्ते से पहले आ गए थे ना. हां तो आपके लिए भी ये सैंडविच बना कर रहे. दैट्स नाइस. आप थे और चुपकिन भाई थे. ओ दैट्स नाइस नाइस नाइस. सो एंजॉय. तो ये है चल रहा है यहाँ पे. काफी लोग यहाँ पर जो है डिप अंडर वाटर गए हुए. कुछ बॉयज जो है यहाँ पे बैठे हुए. ईशान भाई मेरे साथ मौजूद हैं. यार वो पानी की बोतल नहीं मिली मुझे अभी तक. यही तो नहीं थी भाई. मैं पानी की बोतल यहाँ से मेरे बोला ठंडा और जो है ना मीठा पानी आकर ना ऑर्गेनिक लेकर जाऊंगा वहाँ पे. रात चला गया बोतल यहीं पड़ी रह गई. थोड़ा सा और आगे आए. आप ये व्यू देखें यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं. अमेजिंग पानी वहां से चलता हुआ आ रहा है. पानी और साफ और क्लियर क्योंकि धूप की वजह से वहां पे ब्लैक हुआ हुआ था ना, ऐसा लग रहा है थोड़ा तो डार्क हुआ हुआ है. यहाँ पर और वाइट होता जा रहा है. दिस इज अमेजिंग व्यू. आई थिंक मुझे नीचे जाना चाहिए. नीचे जा कर के थोड़ा सा This is the place, boy. चीज की नवेद भाई प्रोडक्शन कर रहे थे केप की, वो ये चीज आ चुकी है. ये देखें ये जा रही है अंदर डेप्थ में. सी दिस इज द डेप्थ ऑफ द केप. और ये अंडर वाटर जा रही है पता नहीं, आई डोंट नो कितनी फीट डेप्थ हो उसकी. मे बी 100 फीट हो सकती है, 150 फीट हो सकती है. मगर ये पानी यहाँ से होके वहाँ से होके यहाँ पर से कट काटते हुए ये केव के अंदर. और ये इतनी ख़तरनाक लग रही है. अंदर खूब अंधेरा है भाई. मैं थोड़ा सा और इन करता हूँ.
सफ़र दोबारा से स्टार्ट कर दिया है और हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे जो कि पहाड़ की एक और चोटी होगी और रास्ता जो है थोड़ा ख़तरनाक है। एक जीप फंस गई है, उसको जाते हैं कवर करते हैं। हाँ जी लेट्स गो। ये आप गलत आ रहे हैं, पीछे जाकर ये पी गए, पीछे जाएं, यहाँ से आए ये चीज़ पीछे और आए स्ट्रेट करें दिस वे। आने दीजिए, आज नहीं दें फुल। नाइस, इस साइड ले। नाइस, वेल डन, क्लियर। आने दीजिए, आने दें। थोड़ा सा इस साइड रखें रन में, थोड़ा सा इस साइड। हाँ आने दें, अभी साइड कर लें, थोड़ा सा और ऊपर आ गए ना, फिर यूं करें। तो गाइस ऑफ रोडिंग में कुछ इस तरह से होता है। नाइस, रनवे डन, वेल डन। भाई आप बताएं। वेल डन गाइस, वेल डन। हाँ जा रहा हूँ, वेट। जाने दे, जाने दे। Thank you.
आगे की तरफ हमारा सफर जारी है और जिब्रान भाई से इस बारे में पूछते हैं थोड़ा सा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं और क्या चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिब्रान भाई बताइएगा अब हम किस जगह जा रहे हैं। हम मेहर जबल के प्लेटो पे हैं इस वक्त भी, ठीक है। अब हम इसके नॉर्दर्न किनारे पे जा रहे हैं, शुमाली किनारा जो है मशहूर पॉइंट है जी, जहाँ से बिल्कुल क्लिफ है, सीधी ड्रॉप है, हम उसके किनारे पे जा रहे हैं, वहाँ से हम नज़ारा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा हम लोग अभी कितने मतलब सफ़र हमारा बाकी है उस तक का, किलोमीटर से का? किलोमीटर का तो अंदाज़ा नहीं है मुझे क्योंकि ये सारा ऑफ रोड है, लेकिन लगभग 20 मिनट हमें लगेंगे वहाँ पहुँचने में। फवाद भाई जो है जिब्रान भाई की जो 4x4 है उसको जो है वो ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेंच, और लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आपको कि उनका एक्सेल टूट गया था बैक साइड का रेयर एक्सेल, तो अभी 3 एक्सेल पे वो जा रही हैं। तो ये ऑफ रोड का मज़ा है, आप देख रहे हैं नाइसली माशाल्लाह से फवाद भाई आ गए हैं। ये साथ में जो है रोप को जरिए वो पर टो भी गा रहा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे थी जगह, आपका हैवी रोप है। गाइस वंस अगेन जिब्रान भाई की जो 4x4 भी जो ऊपर नहीं चढ़ पाड़ी थी और हम लोग जो है उसको दोबारा से हुकअप करेंगे। जावेद भाई और जावेद भाई जो है उसको हुकअप कर रहे हैं, देखो क्या लगा दिया उन लोगों ने, ये इसको टो करके भी ऊपर लेकर जाएगी जिब्रान भाई की। एक मिनट भेजो, चले चले ये वो पॉइंट था दूसरा जो कि मेहर जबल का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस और हर दिल अजीज। आज फाइनली मैं भी इस जगह पे पहुंच चुका हूँ, आप हाइट देख रहे हैं हाउ मच हाइट आई एम, ओए होए होए दैट्स अमेजिंग। ये क्लिफ है, यहाँ से बिल्कुल ट्रिप जाती है, सो आई एम ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ। आज का ट्रिप कैसा रहा, कैसा लगा आपको? ट्रिप बहुत अच्छा था, जगह बड़ी खूबसूरत है, टेरेन बड़ी खूबसूरत है, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं थी, वो ऑफ रोडिंग का अगर बात करें तो वो थोड़ा इजी था, लेकिन पानी हमें बहुत अच्छा मिला, ठीक है। सबसे ज़्यादा फन बिल्कुल जी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखेंगे कि हमने डाइव किया पानी में, ठीक है, दैट वॉज फन। खाना बहुत अच्छा था, मैंने तो जी 2-3 दिन से जो है ना खाना बिल्कुल हल्का किया हुआ था क्योंकि मुझे लैम्ब खाना था, मैंने बहुत खाया है, इट वाज ऑल गुड, अच्छे लोग थे, अच्छी जगह थी, अच्छा खाना था, इट्स ऑल मैटर्स। ओके थैंक यू।